नमस्कार बच्चों, राधे राधे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय श्री श्याम बच्चों। कैन यू ऑल हियर मी? क्या मेरे सभी भावी अध्यापकों को आवाज आ रही है? क्या और बताओ टावरो, हाउ आर यू ऑल? 2 दिन हो गए तुमसे मिले यार YT पे। हाँ चलो जी बच्चों, और बताओ सब कैसे हो? सबसे पहले तो बताओ, इज एवरीथिंग ओके, ऑडिबल, विजिबल? अगर सब कुछ सही है तो बच्चों लिंक को कॉपी करें और शेयर कर दें फटाफट से, है ना, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक अपना प्लेटफॉर्म पहुंच सके। खुश रहो सभी बच्चों। राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। जय श्री श्याम मालको। तो बच्चों, जैसा कि मैंने तुम बोला था, अपन 9 PM पे एक सेशन चालू करेंगे जिसमें अपन पूरी हायर मैथ्स पढ़ेंगे, 11th 12th ग्रेजुएशन, है ना, एक प्रैक्टिस सेशन। अपना पहला बैच 4 जनवरी को बच्चों स्टार्ट होगा, फिर TGT का बैच है अपना 8 जनवरी को, PGT का बैच है अपना 13 जनवरी को, है ना। तो सभी बच्चे एडमिशन ले लेना भाई, चूकना मत बिल्कुल भी, है ना। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर की मैथ्स दोनों हो जाएगी, बाकी GK हिंदी इंग्लिश का भी कुछ करेंगे अपन, डोंट वरी। कोई यूट्यूब सेशन तुम्हारे लिए मैं स्टार्ट करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, ऑथेंटिक अध्यापक लाके। चलो जी, है ना। तो ये जो सेशन है बच्चों, इसमें मिक्स चलेगा पूरा, 11th 12th भी चलेगा, ग्रेजुएशन भी चलेगा, सब चलेगा ना। और अपन एप्लीकेशन में पढ़ेंगे पढ़ेंगे, और दूसरा DRRR भी PGT में शुरू से अपन फटाफट से 11th 12th के साथ साथ ही ग्रेजुएशन स्टार्ट कर देंगे ना, उसमें सारा आएगा, 11th 12th ग्रेजुएशन, PG पोस्ट ग्रेजुएशन वाला भी आएगा, और TGT वालों को भी PGT वाला ही पढ़ना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर एग्जाम, है ना। चलो लेट्स स्टार्ट, एक बार शेयर कर देना सारे बच्चे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों पेश है, क्या कह रहा है? इफ एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस वाई स्क्वायर जेड जे माइनस जेड स्क्वायर एक्स के, देन वैल्यू ऑफ कर्ल एफ, हिंदी इंग्लिश दोनों में भाई। अब कर्ल को कर्ली बोलते हैं, वैसे ज्यादा शुद्ध हिंदी में बोलो तो तुम्हारे लिए इसको कुंतल बोल देते हैं, है ना। देखो पूरा पूरा टॉपिक तो एक क्वेश्चन के माध्यम से नहीं करेंगे, लेकिन इतनी बातें मैं बता दूंगा कि वो क्वेश्चन तुम्हें समझ में जरूर आ जाएगा ना। ये वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन है बच्चों। वेक्टर कैलकुलस में जब हम डिफरेंशियल ऑपरेटर्स पढ़ते हैं तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, तीन तरह के ऑपरेटर हमारे पास, संकारक हमारे पास होते हैं बच्चों, है ना, हिंदी में। इनको बोलते हैं ग्रेडियंट, प्रवणता जिसको हम बोलते हैं, डेल एफ, ये होता है डाइवर्जेंस, डेल डॉट एफ अपसरण, ये होता है कुंतल, है ना, डेल क्रॉस एफ जिसको हम बोलते हैं कर्ल। पहला कौन सा होता है बच्चों? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बोले तो डेल एफ, है ना, यानी कि इसको प्रवणता हिंदी में हम बोलते हैं। दूसरा हमारे पास कौन सा होता है बच्चों? डाइवर्जेंस जिसको हम अपसरण बोलते हैं, इसमें डॉट प्रोडक्ट लगता है, डेल डॉट एफ। और थर्ड इज क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, डेल क्रॉस एफ। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर्स होते हैं, इन तीनों से एक क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांसेस बनता है। तो वंस अटेम्प्ट, फिर मैं समझाऊंगा बच्चों, ना घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पूजा रावत, ये बेटा मेरे नंबर है, ठीक है, इनको नोट डाउन कर लेना बेटा, कोई दिक्कत हो तो मुझे पहले व्हाट्सएप कर लेना और फिर कॉल कर लेना ना, पूछ के मेरे से परमिशन लेके। किसी को रिगार्डिंग बैच कोई समस्या हो, आप डायरेक्ट जाके एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं बच्चों। कोई दुख दर्द हो रहा हो, कोई समस्या हो रही हो, तो आराम से आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। राधे कृष्णा, वनीता, हाउ आर यू बेटा? बच्चों बस सपोर्ट तुम्हें करना है ना, मतलब मेरे में जोश तभी रहेगा। मैं तुम्हें 9 से 10 की जगह 9 से 11 पढ़ा दूंगा, है ना। आज 25 क्वेश्चन करेंगे, कल 50 कर लेंगे, बट बस शेयर कर देना अपने आपसे ना। मैं PGT निकाला सर 2 दिन पहले, आपका पता चल जाता। राजू राम, कोई बात नहीं, है ना, अब पता लग गया ना बेटा। व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर गुड, जो भी होता है बेटा अच्छे के लिए होता है। चलो बच्चों यहाँ पे आ जाओ ना, अब ध्यान से हमें कर्ल एफ निकालना बच्चों। कर्ल एफ ये होता है बच्चों, देखो ध्यान से, क्या इसको, इसका डिटरमिनेंट मेथड होता है हमारे पास, है ना, जो कि बढ़िया होता है, आई जे के, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए। और क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटरमिनेंट मेथड से निकालते हैं बच्चों, ना, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। ये एक्चुअली जो मैंने टेढ़ा वाला डी लिख रहा हूँ बच्चों, डेल, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन को शो करता है, होता तो डिफरेंशिएशन ही है। जनरल डी वाई अपॉन डी एक्स जो हम करते हैं, उसमें वाई डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है।
वेन एवर वी डिफरेंशिएट है ना विद रेस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन दैट डिफरेंशिएशन बेसिकली नोन एज पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलज कहलाता है वो, जब हम किसी एक से ज्यादा अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं। तो फंक्शन में एक्स वाई भी आ रहा है, जेड भी आ रहा है, एक्स जेड भी आ रहा है, एक्स वाई जेड आ रहा है, तो फिर उस डिफरेंशिएशन को पार्शियल डिफरेंशिएशन हम कहते हैं। डिटेल से अपन एप्लीकेशन में पढ़ेंगे बच्चों, अभी जितना इस क्वेश्चन को चाहिए उतना अपन मैं तुम्हें ज्ञान दे देता हूँ। इसमें क्या होता है, अगर हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो बाकी वेरिएबल्स को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करना होता है। इफ वी आर डूइंग डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई, इसका मतलब बाकी वेरिएबल्स को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करना होगा वाई के अलावा। अगर जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जेड के अलावा बाकी वेरिएबल्स को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करना होता है। अब थर्ड वन इज दिस है ना, एक्स स्क्वायर वाई, आराम आराम से बच्चों, कोई जल्दबाजी नहीं, वाई स्क्वायर जेड नोट डाउन करना आराम से। देखो ये वाई टी सेशंस में जो भी तुम्हारे डाउट है ना, मैं तुम सब बच्चों को एक ग्रुप बना दूंगा, उस ग्रुप में आपस में डिस्कस करना, उसमें कुछ सिलेक्टेड बच्चों को भी अपन डाल देंगे है ना। उसके बाद कोई डाउट हो तो फिर मेरे से पूछना एप्लीकेशन में, जब अपना बैच स्टार्ट हो जाएगा। उसमें सिस्टम ये रहेगा कि सर मान लो 4 जनवरी को अपनी वाई टी पी क्लास हुई, तो 4 जनवरी की एप्लीकेशन में कोई डाउट अगर आपके रह जाते हैं यूट्यूब वाले, तो आप एप्लीकेशन में पहले आपस में खुद से डिस्कस करो, ग्रुप में बना दूंगा तुम्हारा। नहीं आ रहा तो रनिंग जो हमारी लाइव क्लास होगी उसमें शुरू में 15-20 मिनट अपन डाउट सॉल्विंग रखेंगे, लास्ट में रखेंगे, तो डाउट्स आप आराम से पूछ लीजिएगा ना, उनको मार्क कर लेना ना, दो बार देखना बच्चों सेशन को आराम से, और पढ़ने का तरीका मैं तुम और समझा दूंगा कैसे क्या करना है। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, नॉर्मल देखो आओ है ना, आई आई को रोका तो इसका वाई के रेस्पेक्ट में करोगे, वाई तो है ही नहीं तो जीरो, इसका जेड के रेस्पेक्ट में करोगे तो वाई स्क्वायर एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा माइनस का जे, और आई होप की डिटरमिनेंट सबको निकालना आता होगा बच्चों ना। जे को हमने रोका तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करो माइनस का जेड स्क्वायर, ठीक है ओके, इसका जेड के रेस्पेक्ट में करो ऑब्वियसली जीरो, प्लस का के यहाँ पे आ जाओ बच्चों, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे जीरो, इसका वाई के रेस्पेक्ट में करोगे माइनस का एक्स स्क्वायर, तो जीरो माइनस एक्स स्क्वायर, बस आ गया हमारे पास सुंदर सा माइनस वाई स्क्वायर आई प्लस का जेड स्क्वायर जे माइनस का एक्स स्क्वायर के। ये कर्ल एफ आ गया, बट कर्ल एफ जो उसने पूछा है, जो कुंतल उसने पूछा है बच्चों, वो पूछा है एट पॉइंट 1 2 3, तो पॉइंट पुट करते हैं अपन है ना, तो वाई की वैल्यू 2 है ना, वाई की वैल्यू बच्चों कितनी है 2 है, तो माइनस का 4i, ठीक है, जेड की वैल्यू 3 है प्लस का 9j, एक्स की वैल्यू 1 है तो माइनस का k, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, माइनस का 4i प्लस का 9j माइनस का k, आप सभी देख पा रहे हैं मेरे साथ साथ, फर्स्ट ऑप्शन इज योर रिक्वायर्ड एंड करेक्ट आंसर बच्चों, सभी का आ रहा है क्या? यस, डेली यूट्यूब पे 9 बजे क्लास होगी। वेरी क्लियर बच्चों, पढ़े थोड़ा सा आगे नेक्स्ट। अब देखो इसमें ना थोड़ा सब्र रखना तुम, इससे डिटेल सॉल्यूशन फिर एप्लीकेशन में, अब तुम्हें दो समस्या कहाँ आ सकती है, मैथ्स इज वेरी कनेक्टेड, मैं तुम्हें मैट्रिक्स डिटरमिनेंट नहीं पढ़ा सकता पूरा यहाँ पे है ना, तो एक बार अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं और डिटेल से अपन ऐप में पढ़ेंगे पढ़ेंगे बच्चों। अब यहाँ पे हो, अ वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द सरफेस, एक सदिश जो कि पृष्ठ के अभिलंब है, उसके लंबवत है। तो एक बात ध्यान रखो, जो डिफरेंशियल ऑपरेटर हमारा डेल एफ ग्रेडियंट होता है, इसको हम प्रवणता कहते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, ये थ्योरम भी होती है ध्यान रखना, ये मैं ग्रेजुएशन में वो वाले क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने लायक होते हैं, डेरिवेशन नहीं आते थ्योरम्स के, हम बीएससी नहीं कर रहे हैं ना, उससे ऊपर की बातें आती है, जैसे ज्योमेट्री में कभी डेरिवेशन नहीं आते, 9th 10th में आते थे, बट उसके एप्लीकेशन आती है, वैसे ही एप्लीकेशन हमारे आई है ना। तो बच्चों कोई भी वेक्टर जो कि सरफेस के नॉर्मल होता है, नॉर्मल टू द सरफेस, वो एक्चुअली डेल एफ ही होता है, यानी हम क्या बोलते हैं कि डेल एफ इज ए वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस है ना, ग्रेडियंट एफ पृष्ठ के क्या होता है बच्चों, अभिलंब होता है बाय डिफॉल्ट। तो यानी कि ये पढ़ते ही हमें क्या दिमाग में आना चाहिए कि यार एक वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द सरफेस वो तो ग्रेडियंट एफ ही होगा, डेल एफ ही होगा है ना। अब डेल एफ में बच्चों क्या होता है, देखो ध्यान से, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई जे, डेल एफ अपॉन डेल जेड के, यानी कि इस पूरे फंक्शन का, फंक्शन देखो हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड में है ना, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई जेड माइनस का 5। इस पूरे का एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, फिर वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है,
जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। ओके मेरे भावी अध्यापकों, डन 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 डन। अब देखो ध्यान से, मेरे साथ साथ चलना है, फैलो। इसका एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं तो सर 2x, वाई को एज ए कॉन्स्टेंट मानना है, माइनस का वाई, इसमें एक्स नहीं है, जीरो, ये भी कॉन्स्टेंट है जीरो, तो ये लो जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। प्लस इस पूरे फंक्शन का वाई के रेस्पेक्ट में करना है हमारे को ना, एक्स स्क्वायर का जीरो वाई के रेस्पेक्ट में करना है, तो माइनस का एक्स है ना, और ये प्लस का जेड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। अब जेड के रेस्पेक्ट में करो, ये पूरा जीरो, ये पूरा जीरो है ना, ठीक है, तो प्लस का केवल वाई हमारे पास बचा जेड के रेस्पेक्ट के लिए ना। बस लेकिन उसने पूछा है कि 1 2 3 पे निकालो डेल एफ, वी हैव टू फाइंड आउट एट पॉइंट 1 2 3। एक्स की जगह 1 रखो, वाई की जगह 2 रखो, जेड की जगह 3 रखो, तो रखें एक्स की जगह बच्चों क्या रखना है 1, और वाई की जगह रखना है 2, तो ये तो पूरा उड़ गया खत्म, जीरो। इधर आ जाओ, एक्स की जगह 1, जेड की जगह 3, मुबारक हो जी आपको, वाई की वैल्यू 2 है 2 के, तो आंसर आ गया आपको ट्वाइस ऑफ जे प्लस ट्वाइस ऑफ के। आई होप ऑप्शन आ रहा है क्या, 2j+2k, सेकेंड ऑप्शन आ गया बच्चों, ये लो। कहाँ दिक्कत आ रही बताओ बबलू अड्डा टीचिंग। कोई बात नहीं बेटा, डिस्कस विद मी, डोंट वरी, सभी मुझे फोन कर लेना, मेरे नंबर सबके पास है बच्चों, कोई दिक्कत हो तो ना, ठीक है, घबराना कुछ भी नहीं है, आई एम ऑलवेज विद माई स्टूडेंट्स है ना, इस बात को कभी मत भूलना बस, है ना। तो कोई दिक्कत है तुम्हें किसी, मैंने जूम सेशन रखा था एक, इसीलिए ना, कोई बात नहीं, तुम सब बच्चों तक नहीं पहुंच पाया होगा, मेरे को फोन कर लेना बच्चों ना। तनुश्री बेटा अपन एप्लीकेशन में ढंग से पढ़ लेंगे, इससे ज्यादा डिटेल इसमें जा नहीं सकते। देखो मेरी बात सुनो, डेल एफ क्या होता है एक्चुअली, अपन जब डिफरेंशियल डायरेक्शनल डेरिवेटिव पढ़ते हैं तो वहाँ पे 4 5 थ्योरम भी तुम्हें लिखवाई जाएगी, तो उससे क्या होता है कि पहली थ्योरम ही होती है ना, डेल एफ इज ए वैक्टर विच इज नॉर्मल टू द सर्फेस, नोट डाउन कर लो चाहे आप, डेल एफ यानी ग्रेडियंट एफ इज ए वैक्टर नॉर्मल टू द सर्फेस। तो उसने वो बात छुपा ली कि डेल एफ हमें निकालना है, तो अगर हमें थ्योरम पता है कि एक वेक्टर जो कि सरफेस के नॉर्मल होता है तो डेल एफ होता है, तो डेल एफ ऐसे निकालते हैं बेटा ये, ऐसे है ना, पूरे फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर वाई के रेस्पेक्ट में, फिर जेड के रेस्पेक्ट में। चलो जी ये लो, एक और ले लो, डाइवर्जेंस, मैंने तीनों ऑपरेटर्स के एक एक एग्जाम्पल ले लिए बेसिक है ना। अब डाइवर्जेंस क्या होता है बच्चों, डेल डॉट एफ क्या होता है, डेल डॉट एफ, देखो मेरी बात सुनो, जो ग्रेडियंट होता है होता है डेल एफ, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ग्रेडियंट एफ को है ना, अपना डाइवर्जेंस, अपसरण जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, अपसरण, ये होता है डेल डॉट एफ, और जो कर्ल होता है हमारा वो क्या होता है, डेल क्रॉस एफ, तो वेक्टर कैलकुलस में डिफरेंशियल ऑपरेटर्स होते हैं, तो डाइवर्जेंस निकालना है हमारे को, ठीक है, तो बहुत ही आसान है बच्चों, आओ देखो ध्यान से, डेल डॉट एफ ये कैसे निकाला जाएगा जी, आई डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई के, डेल अपॉन डेल जेड, डॉट प्रोडक्ट एफ क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर जेड आई एक्स वाई जे माइनस का वाई जेड स्क्वायर के, इससे डॉट प्रोडक्ट करोगे तो इस फंक्शन के पास आ जाएगा, तो आई डॉट आई कितना होता है, 1 होता है बच्चों है ना, आई डॉट आई इन वेक्टर, देखो तो वेक्टर कैलकुलस से पहले वेक्टर एलजेब्रा ठीक ठाक आनी चाहिए, तो अपना सब हो जाएगा, धीरे धीरे चिंता मत करो, यहाँ पे मैं पीजीटी के हिसाब से भी करवा रहा हूँ, बच्चों का एग्जाम आ चुका है ना, नोटिफिकेशन आ चुका, आई डॉट आई 1 होता है केवल इसके साथ करो इसका है ना। तो एक्स स्क्वायर जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन ट्वाइस ऑफ एक्स जेड, इसको जे के साथ आ जाओ सब, जे डॉट जे 1, वाई के रेस्पेक्ट में केवल एक्स बचेगा सर डिफरेंशिएशन, इसका केवल जेड के रेस्पेक्ट में, तो माइनस का 2yz, ठीक है, जसगी तुम्हारे बात, पॉइंट रख दो बच्चों बस खत्म बात, 1 -1 1, तो 2, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की कितनी है, वाई की है -1 और जेड की है 1, तो प्लस का 2, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट विल बी 5, सी ऑप्शन इज राइट, पल्ले पड़ी बच्चों बात, बोलो हाँ या ना, इज दैट वेरी वेरी क्लियर बच्चों, एनो प्रॉब्लम एट ऑल।
अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। अब देखो इसकी हिंदी में करवाना जरूरी नहीं समझा, बहुत आसान सी बात है ना। देखो इक्वेशन रिप्रेजेंट, जिसको बोलते हैं परवलय, इसको बोलते हैं वृत्त सर्किल, इसको बोलते हैं बच्चों हाइपरबोला अति परवलय, इसको बोलते हैं अपन दीर्घवृत्त। तो इक्वेशन मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस थ्री अपॉन जेड प्लस थ्री इक्वल टू टू रिप्रेजेंट्स, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं है बच्चों, को टेंशन वाली बात नहीं है। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जेड की वैल्यू आप रखेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें पता है कि जो मॉड्यूलस हमारा होता है वो सेपरेट हो जाता है बच्चों ना, यानी कि न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग। तो यहाँ पे हम जेड की जगह पहले रखते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, तो रियल पार्ट मैंने एक साथ लिख लिया, इमेजनरी को सेग्रीगेट कर दिया, एक्स प्लस थ्री प्लस का आयोटा वाई, मॉड्यूलस 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 ठीक है, और बराबर में चल रहा है हमारे पास। अब सबको पता है बच्चों मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई अगर जेड है तो मॉड्यूलस होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, काल्पनिक भाग का स्क्वायर कर देंगे और वास्तविक भाग का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे आओ इसको जो हम लिखेंगे तो बच्चों यू लिखेंगे एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करके सॉल्व कर लो बच्चों, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो और तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ इक्वेशन क्या बनेगी, एंड में इक्वेशन मुझे निकाल के बताओ कि एग्जैक्ट रिजल्ट क्या आ रहा है पूरा कैलकुलेशन करने के बाद, और आई कैन एक्सपेक्ट कि इसके बाद तो मैं तुम्हारे लिए छोड़ ही सकता हूँ बच्चों, है ना। बताओ, मुझे तो लग गया अंदाजा सर्किल बन जाएगा, है ना। फिर भी आप सभी को भी अंदाजा लगेगा धीरे धीरे, अभी अपन बेसिक लेवल पर है, ये समझो कि अभी अपन इनिशियल है बच्चों। एवरी स्टूडेंट खुद को ये समझना है कि आप जीरो पर है ना, तब तो आप कुछ सीख पाओगे बच्चों ना। और चिंता मत करो, मैं निकलवा दूंगा इस बार तुम्हारा डी ट्रिपल बी यूपी टीजीटी, सबसे ज्यादा सिलेक्शन रोहित नामा एडवांस में से एप्लीकेशन होंगे, इस बात की मैं दावा करूंगा, चिंता मत करो, मस्त हो, है ना। रिकॉर्ड बनाना अपने को, तभी तो अपन सब बच्चों को पढ़ा पाएंगे, अभी तो कई बच्चों को ध्यान ही नहीं अपना। देखो ये जो है ना, ये हमारे स्टेजिटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, वो जाएगी, ये सब है ना, ये मैं फालतू की बातें समझता हूँ बच्चों, है ना। क्यों, ये सब व्यूज बढ़ाने के लिए टीचर्स आ जाते हैं, कट ऑफ क्या जाएगी, रो क्या जाएगी, उससे फर्क ही नहीं पड़ता यार, कट ऑफ क्या जाएगी चल जाएगी जो जाएगी, तुम तो पढ़ाई करो, है ना। तुम्हें तो चाहे पूरा कट ऑफ बता दो, कुछ भी बता दो, तुम्हें तो जब तक तसली नहीं मिलेगी ना, जब तक वो मेन रिजल्ट हमारे सामने नहीं आएगा, तो बस काम करते रहो अपना। पूजा एक्चुअली कहे आई लव ब्लैक, तो इसमें तो मैं मेरी खुद की सुनूंगा बेटा, ना मुझे ब्लैक पसंद है ना, तो मैं व्हाइट बोर्ड यूज नहीं करता ना, क्योंकि तो बचपन से मैंने ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाई की है सरकारी स्कूलों में, ठीक है, तो उसी से प्यार है मेरे को, तो मैं तो स्मार्ट बोर्ड पे भी ब्लैक बोर्ड यूज करता हूँ बेटा, है ना। चलो बच्चों इक्वेशन क्या बन रही है, कुछ बच्चों ने लिख दी साहब, एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस टाइन, तो बच्चों विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, है ना। सर्किल की जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी एक्स ट्वाइस ऑफ एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब ये आज वाली क्लास में मैं दो तीन बार लिख दूंगा तो मुझे याद हो जाएगी, चिंता मत करो। यूट्यूब की कॉपी अलग से बना लेना बच्चों, है ना, जिसमें तुम एक बार तो रफ, देखो जब यूट्यूब सेशन हो ना तब तो तुम रफली रफ कॉपी यूज किया करो, फटाफट फटाफट चीजों को समझा करो, लिखा करो, फिर इसी सेशन को दोबारा देखना सभी को, ये बिल्कुल ध्यान रखना, एक फेयर कॉपी बनानी है, क्वेश्चन आ गया वीडियो पॉज कर देना वहीं पे, है ना, फिर खुद से करना, क्योंकि तुमने एक बार तो सेशन लाइव लिया हुआ है ना, अटक जाओ तो फिर वापस प्ले कर लो उसको, है ना। तो खुद के हाथों से लिखे हुए सॉल्यूशन की एक क्वेश्चन बैंक तुम्हारे पास बन जाएगी बच्चों, और खुद के हाथों से लिखे हुए नोट्स क्वेश्चन सॉल्यूशन संडे की संडे रिवाइज कर लेना, जैसे अपन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, गारंटी से बोल रहा हूँ दुनिया कोई ताकत तुम्हें रोक ही नहीं पाएगी बच्चों, ना बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन, मतलब सारे बच्चे इसका आंसर दे देंगे। ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग समथिंग, जो भी तुम्हारे पास गिवन है ना, बताओ आंसर क्या आएगा।
बताओ बताओ फटाफट बताओ भाई। बहुत आसान है ना, 1 + ω + ओमेगा स्क्वायर 0 है ना, तो 0 से एनीवन हु कोलाइड्स विद 0 बिकम्स 0, पक्की बात है। चलो 0 से जो भी टकराएगा 0 हो जाएगा। अब आओ बच्चों तुम ये लो, वक्र का महत्तम ढाल है ना, मैक्सिमम स्लोप बच्चा खुल गया है। तो मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन यूट्यूब पे करवाता हूँ ना, और कोई बात पूछा है मत करो यार, लास्ट में पूछ लिया करो। कोई तुम्हें कोई ज्यादा दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दिया करो, सर इस पर एक सेशन कर दो, 5 मिनट का एक सेशन करके छोड़ देंगे अपन, है ना। किसी को और कोई बात करनी हो तो पूरा फोकस पढ़ाई पे रखो, मतलब ऐसा लगो कि ऑफलाइन क्लास लगे, है ना। ऑफलाइन क्लास से बेहतर होती है ऑनलाइन क्लास, अगर बच्चे की नीयत अच्छी हो पढ़ने की तो, है ना। बच्चे का पूरा एकाग्रता से ध्यान हो, पानी की बोतल रखी हो, इधर उधर जाना नहीं हो, फोन नहीं आ रहा हो कोई उसके पास, पूरा शांत मग्न होके बढ़िया, है ना। बच्चों वाईफाई लगवा लेना, बहुत सारी क्लासेस होगी तुम्हारी, कम से कम 3 सेशन यूट्यूब पे होंगे, है ना, आने वाले टाइम पे। और कल से 6 PM पर एक सेशन तुम्हारा और होगा, जो तुम्हारे जनरल पेपर के लिए होगा, वो जनरली मैं SSC के लिए पढ़ाऊंगा, तो उसमें तुम्हारा फर्स्ट पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 6 PM पे लाइव आ जाना कल से, ना 6 PM पर भी लाइव आना है तुम्हारे को। इसका आंसर बताओ। अब बच्चों देखो, ये मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन हमारे पास आ गया। सबसे पहले तो मैक्सिमम इसने क्या पूछा, स्लोप, तो पहले स्लोप तो निकाले, उसको बाद में करेंगे मैक्सिमम। तो अब स्लोप सर हम बचपन से जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स हमारा होता है, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करो, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स के पक्ष में इसका, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करो बच्चों, ना। तो माइनस का 3x² प्लस का 6x प्लस का 9, ये हमारा स्लोप है। जनरली मैक्सिमम मिनिमम में हम डी वाई बाई डी एक्स को 0 के बराबर करते हैं, इसको 0 के बराबर बिल्कुल नहीं करना तुम्हारे को। पहले इसका स्लोप निकाला हमने, अब इसको मैक्सिमाइज करना है, तो लेट इसको जेड मान लिया मैंने, है ना। अब समझो तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तुम्हारे को जेड की। अब सर मैक्सिमम मिनिमा के लिए तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, जो कि एप्लीकेशन में डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल तो इतना तो ज्ञान सर हमें है ही, हम एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, ठीक है, और उसको 0 के बराबर करेंगे, वहां से एक्स का मान आएगा हमारे पास 1। अब प्रॉपर तरीका तो देखो क्या होता है ना, कि सर एक और बार आपको अवकलन करना पड़ेगा, है ना, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए करना पड़ता है ना। तो माइनस का 6 आ गया, तो यहाँ पर एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव, यानी कि मिनिमम वैल्यू देगा ही नहीं हमारे को, ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 1 पर दिस स्लोप प्रोड्यूस मैक्सिमम वैल्यू, है ना। अब गलती क्या होती है, कई बार बच्चे एक्स बराबर 1 यहाँ पे रख देंगे, वो ढाल थोड़ी है, ढाल तो ये है, स्लोप तो ये है, तो एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पे रखो बच्चों, ना। तो माइनस का 3 + 6 + 9 नॉर्थ इन 12, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सभी का आ रहा है, यस। इस क्लास को तुम बाद में भी देख सकते हो बच्चों, लाइक और शेयर कर दिया करो यार अपने आप। अब समझो बच्चों बात को, ना। अब यहाँ पे थोड़ी चालाकियां तुम्हें दिखानी पड़ेगी, कैसे। तुमने एक बार डिफरेंशिएशन किया, 0 के बराबर किया, एक ही वैल्यू हमारे पास आ रही है यूनिक वैल्यू, और एक भी ऑप्शन नन ऑफ दीज नहीं है, एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हो कि एक्स एक्स इज टू 1 पर मिनिमम, एक्स इज टू -1 पर मैक्सिमम, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो तुम्हें सेकंड डेरिवेटिव करने की आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पे, अगर एक भी ऑप्शन नन ऑफ दीज नहीं है, चार ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू है, और आप यहाँ पर एक ही वैल्यू, जैसे मान लो सपोज करो, कई बार बच्चों क्या होता है कि डिफरेंशिएशन करने के बाद क्वाड्रेटिक बचता है। अब दो वैल्यू आ गई मेरे पास, x = 2 x = 3 आ गई, अब पंगा हो जाता है, पता नहीं 2 पर मैक्सिमम आ रहा हो, क्या पता 3 पे मिनिमम आ रही हो, क्या पता 3 पे मैक्सिमम आ रही हो, क्या पता 2 पे मिनिमम आ रही हो, है ना। क्योंकि हमें ये पता है ना कि सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद अगर उस पॉइंट पर वो वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो उस पॉइंट पर वो अपना अधिकतम मान देगा, अगर पॉजिटिव आ रही है तो उस पॉइंट पर वो अपना न्यूनतम मान देगा। अब सर यहाँ तो एक ही है, इसका मतलब जो क्वेश्चन ने पूछा वही आ रहा होगा। ऐसी ऑब्जर्वेशन आप लगा सकते हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो ये स्पीड अप आराम से हो जाएगा तुम्हारा, ना। तो इस क्वेश्चन का फिलहाल हम आंसर लगाएंगे सेकंड ऑप्शन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जी, लिमिट है -π/2 से π/2, है ना, अंडर रूट के अंदर ½ (1 cos2x dx), डेफिनेट इंटीग्रेशन का बेहतरीन क्वेश्चन है, बताओ। बिल्कुल प्लेलिस्ट बना देंगे तनुश्री, अभी एक्चुअली जैसे अपना बैच शुरू हो जाएगा ना बेटा, फाउंडेशन बैच, तो उसमें आना तुम, धीरे धीरे तुम्हें सब पता लग जाएगा सेकंड डेरिवेटिव क्यों किया। मैक्सिमा निकालने के लिए सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ता है, सेकंड डेरिवेटिव में उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू आती है, और पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू आती है ना।
वहां पर मैंने क्या बोला कि हमें जरूरत ही नहीं करने की, क्योंकि एक ही वेली बारी है ना, वो थोड़ी चालाकी के लिए बस। अब देखते हैं यहाँ पर कितने बच्चे मिस्टेक करते हैं। ए आ रहा है, जीरो आ रहा है, मैक्सिमम बच्चों का जीरो आ रहा है क्या? जीरो आ रहा है क्या? ए ऑप्शन आ रहा है यार, ऐसे फंस जाओगे बच्चों तुम्हारा। अब देखो बहुत छोटी सी बातें हैं, पर ध्यान से होगा ना, इनका जीरो है। एक बात बताओ सबसे पहले तुम मेरे को ना, सबसे बढ़िया बात बताना बच्चों, √25 की वैल्यू क्या आती है? +5 -5 +-5 नन ऑफ दीज, डू कॉमेंट एक बार। देखो अब क्वेश्चन कभी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता मैथ्स में, है ना, कनेक्टिविटी तो मैथ्स में होती होती है बच्चों, ना इस बात का ध्यान रखना। तो इसका आंसर बताना एक बार फटाफट से, फिर आता हूँ उस पे, है ना, जीवन में भूलोगे नहीं बच्चों। पूजा पूजा रावत बेटा, किसी में भी प्रॉब्लम आती हो बेटा चिंता मत कर, सही जगह पर है तू, है ना। अब सही हॉस्पिटल में हो तुम, तुम्हारा डॉक्टर बहुत नैतिक है, ईमानदार, अच्छा है ना, और बस तुम्हें अच्छे विद्यार्थी बनकर दिखाना है ना। इसका आंसर बताओ फटाफट से फास्ट, रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन +5 -5 +-5 नन ऑफ दीज +5, जल्दी बेटा। हिंदी है बाबू, डोंट वरी, हिंदी में तो लिखा हुआ है दादा। +5 +5, जल्दी जल्दी बचो, बी रेस्पॉन्सिव, थोड़ा फास्ट, +5, बचो मेरी बात सुन, वेरी गुड है ना, रिजल्ट इज ओनली +5। इन मैथमेटिक्स एनी स्क्वायर रूट कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी कोई वर्गमूल ऋणात्मक आंसर दे ही नहीं सकता बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। अब एक बात बताओ तुम, इसका आंसर क्या आएगा? a - b का होल स्क्वायर, कमेंट फटाफट से फास्ट, कभी ऐसा क्वेश्चन जीवन में गलत होगा नहीं बच्चों, तुम्हारा चिंता मत करो, बताओ। अनीता, इस तरह के कंफ्यूजन के लिए प्लीज डू कॉल मी, मेरे नंबर है सबके पास, ठीक है, आफ्टर क्लास कॉल कर लेना बेटा। इसका आंसर बताओ जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश, सबका रिवीजन करवा दूंगा, अभी जो चल रहा है उस पर ध्यान दो तुम एक बार, लास्ट में करेंगे बात, लास्ट तक टिके रहो, आराम से पढ़ो, लास्ट में 5 मिनट अपन ऐसी बातें कर लेंगे, जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है क्लास की, वॉट एवर है ना, प्लीज अभी फोकस करो पढ़ाई पे, रफ कॉपी लो, पेन लो, पढ़ाई करो। बताओ जी, बताओ आंसर बताओ। देखो कुछ बच्चे सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब बच्चों, फिलहाल तो इसका आंसर आएगा, हम नहीं बता सकते सर इसका आंसर क्या होगा, बट अगर आप कंडीशन देते हो कि ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, देन द रिजल्ट विल बी a - b, और अगर आप एक कंडीशन भी नहीं देते हो फिर भी आप जबरदस्ती करते हो हमारे साथ, तो फिर हम मोड़ लगा देंगे, ध्यान रखना इस बात का। तो एक बात हमेशा ध्यान रखो बच्चों कि मतलब किसी का भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल करते समय आपको एक बात देखनी होती है कि जिस पर स्क्वायर लगा हुआ है वो एक नॉन नेगेटिव नंबर है या नहीं है, वो एक ऋणेतर नंबर है या नहीं है, ऋणेतर नंबर मतलब जीरो और जीरो से बड़ा। जैसे देखो ध्यान से ना, मैंने लिखा 3 - 4 का होल स्क्वायर, अब मैं ये कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि 3 is less than 4, लेकिन 3 - 4 के होल स्क्वायर को मैं 4 - 3 का स्क्वायर तो लिख ही सकता हूँ, अब मैं कैंसिल कर सकता हूँ, मेरी बात समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तुम्हारे को, है ना। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल करते समय आपको देखना है कि जो अंडर रूट के अंदर डेटा है वो नॉन नेगेटिव यानी कि ऋणेतर नंबर, ऋणेतर संख्या है या नहीं है, ऋणेतर का मतलब ऋणात्मक के अलावा, ठीक है। फाउंडेशन बैच में सारे बेसिक तुम्हें दोबारा सिखाए जाएंगे बच्चों, चिंता मत करना, डिटेल से आराम आराम से। अब यहाँ पे आओ तो बच्चों कॉस के साथ देखो, एक बात लिख लो सारे के सारे, नोट डाउन कर लो, कॉस और वन की दुश्मनी होती है पूरी मैथ्स में, कहीं भी तुम्हें कॉस के साथ वन दिख जाए ना, तुम्हारा दिमाग क्या बोलेगा, वन को उड़ाना है ना। जैसे कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं बच्चों, देखो ध्यान से ना, कितने होते हैं, जो हम एंगल ऑफ फॉर्मूला पढ़ेंगे ट्राइग्नोमेट्री में, तो एक होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है मेरे भावी अध्यापक को ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब होते तीनों सेम ही है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी इनमें,
आप इस यहाँ इसमें कोस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दो, थर्ड वाला फॉर्मूला आ जाएगा। इस वाले साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स रख दो, सेकेंड वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो सर बात ये, हम कौन सा कब लगाएं, क्योंकि बात तो इस बात की है ना कि सर हम आंसर सही भी करें और जल्दी भी करें, वरना ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की ऐसी ब्रांच है कि ना तो क्वेश्चन सही होते हैं ना गलत होते हैं, कन्वर्जन करे जाओ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में कभी बच्चों सॉल्यूशन होते ही नहीं है, कन्वर्जन होता है। हम साइन को बाकी पांचों रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं, कोस टेन कोट सेक कोसेक। हम टेन को बचे पांचों रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं, टेन के अलावा जितने पांच बचे है ना, साइन कोस कोट सेक कोसेक सब में है ना। तो हमेशा क्या ध्यान में रखना होता है, कोस और वन की दुश्मनी होती है सब। जब भी कोस के साथ वन आएगा, आपका दिमाग क्या बोलेगा, वन को एलिमिनेट करेंगे, अपने आप तुम्हारे अंदर से आवाज आ जाएगी कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। और अगर कोस के साथ वन नहीं हो तो पहले वाला फॉर्मूला लगेगा। ये प्रायोरिटीज है, कोई ये पत्थर की लकीरें नहीं है, पर 99% ऐसा करने से आपकी स्टेप जल्दी होगी, आपका आंसर जल्दी आएगा। अब यहाँ पे देखो, तुम रखो कॉस की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बच गया तुम्हारे पास, -π/2 से π/2 अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये तुम्हारे पास बच गया बच्चों, क्या बोलते हो बताओ। अब एक बात हमेशा ध्यान रखो, जल्दबाजी में क्या होता है, ये काट दिया, जीरो आंसर लगा दिया, फंस गए, और थोड़ी सी गलती, ऑप्शन मैच हमारा हो गया। ऐसे बिल्कुल नहीं करना हमारे को, ये नॉर्मल इंटीग्रेशन होता तो बात अलग थी, तब हमें जरूरत नहीं थी मोड लगाने की, पर यहाँ तो क्या पीस वाइज एरियाज इनके निकलेंगे हमारे पास है ना। तो जो प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से देखना ना, प्रॉपर्टीज व्हाट, व्हेनेवर लिमिट -a to a f(x) dx, इसमें क्या होता है, लिमिट हाफ हो जाती है बच्चों, ट्वाइस ऑफ 0 to a इफ फंक्शन इज इवन, सम फलन है तो, अगर और रिजल्ट बिकम 0 अगर फंक्शन हमारा विषम है तो। अब सर ये और पंगे हो गए, इससे पहले फंक्शन पढ़ाओ फिर आपको, तो जो काम की बात है वो समझाता हूँ बच्चों। यदि फंक्शन में x को -x से रिप्लेस करने पर उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, वो ढीठ का ढीठ ही रहे, तो उसको इवन फंक्शन कहते हैं। लेकिन x को -x से रिप्लेस करने पर अगर कंप्लीट नेगेटिव साइन कॉमन आ जाता है तो उसको हम ओड फंक्शन कहते हैं, विषम फलन कहते हैं, है ना। तो सर इसका तो हमें पता है, -π/2 से π/2 आप लेके जाओगे तो ये मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स हो गया, और सर मॉड्यूलस वाले तो वैसे ही हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, इवन आएगा। तो सर इसका मतलब ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 साइन एक्स डीएक्स, साइन का इंटीग्रेशन पता है तुम सबको कितना होता है, निकालोगे माइनस का कॉस, तो माइनस का 2 बाहर आ गया, कॉस एक्स अपर लिमिट है π/2, लोअर लिमिट है 0, माइनस का 2, ऐसे कैसे है ना, कॉस 90 डिग्री होता है 0, कॉस 0 डिग्री होता है 1, तो माइनस, ये -1 बचा, तो प्लस का 2 इज योर रिक्वायर्ड आंसर बच्चों, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत आराम आराम से एक एक स्टेप मैंने एक्सपेंड किया बच्चों इस क्वेश्चन की। बच्चों अगर आप एलटी ग्रेड की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके अलग से बैच की जरूरत नहीं है, डी ट्रिपल्स भी टीजीटी का बैच ले लो आप, डी ट्रिपल्स भी पीजीटी का बैच ले लो आप, सारे टीजीटी पीजीटी उसमें कवर्ड है, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो सेकंड ग्रेड हो, क्या फर्क पड़ता है, वो 11 12 पूरी ग्रेजुएशन पीजी है ना। तो आई होप क्लियर है बच्चों, वो डिटेल से तो फिर इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ेंगे तब आएगा आएगा अपने पास। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ लिमिट -1 to 2 मॉड्यूलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ये तुम्हारे बच्चों ये मोड ग्रेटेस्ट एंड, इनसे तो तुम्हें प्यार हो जाएगा, क्यों चिंता करते हो तुम, एक बार करते जाओ, दर्द होना चाहिए। कुछ बच्चों को ऐसे लगेगा यार समझ में नहीं आया हमारे तो, है ना, तो समझ में नहीं आया इसका मतलब तुम सही रास्ते पर हो, तुम्हें राजी करने के लिए मैं आसान बातें भी ला सकता था, पर इस तरह कोई धोखा तुम्हारे साथ होगा नहीं, जो चीजें एग्जाम स्पेसिफिक है वही चीजें पढ़ाई जाएगी, यूट्यूब पर भी और एप्लीकेशन में भी। समझ में नहीं आ रहा, 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो, मैं अवेलेबल हूँ ना, खून पी जाओ मेरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ग्रुप बना देंगे बच्चों तुम्हारा सबका एप्लीकेशन में, डोंट वरी है ना, ट्राई करो, पहन चलो सारे बच्चे, करते चलो करते चलो। पर बच्चों थोड़ा सब सपोर्ट करना सारे के सारे है ना, शेयर और लाइक करना, तुम्हारे आसपास जितने बच्चे हैं। अरे क्या हो गया, मोड को देखकर घबरा रहे होगे तुम, क्यों घबरा रहे हो वैसे, क्या हो गया, देख लेंगे इसको। बच्चों देखो मॉड्यूलस क्या होता है, सुनो, एक ऐसी मशीन है जी
मॉड्यूलस एक ऐसी मशीन है जी, इसके अंदर कुछ भी डालो नॉन नेगेटिव होके बाहर निकलता है। अभी यार सर आप बार बार, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या नॉन नेगेटिव करे जा रहा है मास्टर, है ना? तो मैंने हिंदी में बोला उसको ऋणेतर, वो बात भी समझ में नहीं आ रही होगी मुझे पता है, क्योंकि तो बेसिक बातें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चों किसी भी टॉपिक में। देखो मेरी बात सुनो, नॉन नेगेटिव का मतलब होता है, मैथमेटिक्स में टर्म होती है नंबर सिस्टम में, है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों ऋणेतर। ये एप्लीकेशन में पहले दिन ही हो जाएगा बच्चों तुम्हारे, एट फर्स्ट डे। एक होता है नॉन पॉजिटिव, धनेतर, एक होता है नॉन जीरो। ये तीन वर्ड तुम्हारे पास आते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं शून्येतर। क्या बोलते हैं बच्चों? शून्येतर। अब ध्यान से देखो बच्चों, तर का मतलब होता है के अलावा, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी देखना, तर का मतलब के अलावा, ऋणात्मक के अलावा, धनात्मक के अलावा, शून्य के अलावा, यानी कि जीरो और जीरो से बड़े, जीरो और जीरो से इधर, है ना, यानी कि नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है, जिसके अंदर आ जाएंगे बच्चों जीरो वन टू थ्री। नॉन पॉजिटिव मतलब जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस, समझ गए बात को तुम? नॉन जीरो तुम जानते ही हो, केवल पॉजिटिव बोल दोगे तो जीरो नहीं आएगा, केवल नेगेटिव बोल दोगे तो जीरो नहीं आएगा, लेकिन नॉन नेगेटिव बोलेंगे तो भी जीरो आएगा, नॉन पॉजिटिव बोलेंगे तो भी जीरो आएगा। और बहुत आसान है, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव के अलावा, नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव के अलावा, ठीक है? अब यहाँ पे होगा तो जो मॉड्यूलस होता है ना हमारा मॉड्यूलस, इसकी खास बात क्या है, ये नॉन नेगेटिव नंबर प्रोड्यूस करेगा, इसकी वैल्यू एक्स होगी जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, इसके लिए माइनस एक्स होगी जब एक्स लेस देन। अब ये वाला नेगेटिव है ना कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता इसका, देखो सुनो क्या होता है बच्चों, जब हम इस वाले एक्स को नेगेटिव लेंगे तो पंगे हो जाएंगे, क्योंकि सर मॉड्यूलस तो उसको पॉजिटिव करके बाहर निकालेगा, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें एक माइनस का साइन पहले से कॉमन लेना पड़ता है बच्चों, इतनी सी बात है बस इसमें, ठीक है? अब यहाँ पे आओ, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट ब्रेक कब करते हैं अपन? ये नॉर्मल इंटीग्रेशन होता तो ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में बच्चों मॉड्यूलस फंक्शन की लिमिट कहाँ ब्रेक होती है, एक बार दिमाग में फिट कर लेना। जहां पर मोड के, लिख लो, जहां पर मोड के अंदर वाला डेटा जीरो हो रहा होगा, जहां पर मोड के अंदर वाला डेटा जीरो हो रहा होगा वहां पर आपको लिमिट ब्रेक करनी है। तो ये मोड के अंदर जो एक्स है वो जीरो कब होगा सर? जीरो पर होगा, तो इसका मतलब इसकी लिमिट कैसे ब्रेक करेंगे? माइनस वन टू जीरो और जीरो टू टू, ये लो इतनी सी बात है बस। मोड के अंदर वाला अगर ऊपर होता मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन तो वन पे जीरो हो रहा होता, तो फिर मैं करता माइनस वन टू वन, वन टू टू, गॉट इट? अब आ जाओ जी, जब माइनस वन से जीरो के बीच में डेटा रखोगे तो नेगेटिव वैल्यू होगा, तो सर नेगेटिव वैल्यू तो मोड हटाओगे तो नेगेटिव साइन बाहर लेना पड़ेगा आपको पॉजिटिव बनाने के लिए, इसका मतलब माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस का वन डीएक्स, जीरो से टू में पॉजिटिव रहेगा तो वन डीएक्स। नाउ इंटीग्रेट दिस क्वेश्चन खत्म, है ना? आ गया माइनस का एक्स, है ना, इसका माइनस बाहर ले लो बच्चो, अपर लिमिट जीरो लोअर लिमिट माइनस वन, ये एक्स हो गया इसका इंटीग्रेशन, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट जीरो, आंसर बता दो कितना रहा इसका फटाफट से फास्ट। प्रमोद इसके लिए अपन लास्ट में बात कर लेंगे बेटा, लास्ट में बच्चों फाउंड, चलो बता देता हूँ तुम्हारे को यार, है ना, फाउंडेशन बैच सारे टीजीटी पीजीटी को कवर करते हुए चलेगा, यूं नहीं कि 2 महीने बाद यूपी टीजीटी का एग्जाम है तो तुम सब बोलो नहीं सर फाउंडेशन बैच का कोर्स फटाफट कराओ हमारा एग्जाम है, नहीं, वो अपने हिसाब से बिल्कुल हाथी की जैसे मस्त मस्त चलता रहेगा, लेकिन उस बैच को कंप्लीट करने के बाद तुम्हें दुनिया में किसी भी टीजीटी पीजीटी के लिए दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो आराम से 7-8 महीने चलेगा, 2-3 महीने प्रैक्टिस करेंगे उसमें आराम से अपन, है ना, क्योंकि वो सारे एग्जाम्स को कवर करेगा, उसमें कुछ आरपीएससी वाले बच्चे भी होंगे, वो बोलेंगे सर हमारे तो वैकेंसी आई नहीं, अभी क्यों कंप्लीट करवा रहे हो आप, भागम भाग क्यों, वो सबको कवर करते हुए चलेगा। इफ एनीबडी वांट स्पेसिफिक बैच, उसको अलग से परचेज करना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर लेना, मुझे पढ़ाने दो भी यार, मुझे पसंद नहीं इस बीच में बैच की बातें करना है, लास्ट में पूछ लेना मेरे नंबर है सबके पास, फोन कर लेना यार, पढ़ो ना बच्चों चुपचाप यार, तुम सब टीचर्स हो क्या बात कर रहे हो। अगर तुम्हें बहुत अच्छी मैथ्स करनी है तो फाउंडेशन बैच भी ले लो, डीटी बैच भी, पीजीटी वाला भी ले लो, ठीक है? अरे लेट्स क्रैक इट विद साक्षी, एंड में बात करेंगे, मैं प्राइस बताने थोड़ी आया हूँ, अभी मैं पढ़ाने आया हूँ बेटा, पढ़ ले एक बार, है ना, मुझे मार्केटिंग बनना मत बनाओ तुम, ठीक
लास्ट में बता दूंगा, तुम अभी कीप कंटिन्यू वॉचिंग। रोहित नाम एडवांस में से नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, सब मिल जाएगा तुम्हारे को वहाँ पे ना, सारे टीजीटी पीजीटी निकल जाएंगे ना। बताओ जी आंसर कितना है इसका, 3 आ रहा है क्या? चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। 0 और -1 तो +1 हो जाएगा, तो 2। वन आ रहा है बच्चों, 3 कहाँ आ रहा है इसका आंसर? वन ही तो आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है। वन शुड बी करेक्ट आंसर, एक बार चेक कर लो दोबारा। बताओ बताओ, बच्चों किसी बैच की इन्फॉर्मेशन, फिलहाल तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना रोहित नामा एडवांस में, उसमें सारी बैच की इन्फॉर्मेशन है, और कोई दिक्कत हो तो ये मेरे नंबर है, सारे बच्चे सेव करके रखो, डू व्हाट्सअप कोई भी दिक्कत हो तो। एक ही आ रहा है ना बच्चों, वन आ जाएगा है ना। मैं देखो ना आराम से, रीना बेटा देख, ये नेगेटिव एक्स हो गए होगा, इसको मैंने बाहर ले लिया, अपर लिमिट 0 लगाई हमने, नेगेटिव करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -1 ही तो बचेगा यहाँ, 2 बचेगा साफ साफ, दो में से एक गया था एक आंसर आ गया। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -1 to 1। तो अभी अभी मैंने तुम्हें प्रॉपर्टीज लिखवाई थी और तुम्हें बिल्कुल बताया था मैंने कि वेन एवर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लिमिट इज -a to a, कम से कम एक कॉन्सेप्ट मैंने दो तीन एग्जाम्पल इसलिए ले लिया था कि वो तो कम से कम तुम्हें याद रहेगा। श्याम मिश्रा D SSS B PGT ले लेना, उसमें सारा हो जाएगा तुम्हारा। बेटा ये 0 रखने के बाद उसको माइनस करते हैं अपन, तो ऑलरेडी लिमिट -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो, समझो बात को ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट ऑलरेडी नेगेटिव है तो बिकम्स पॉजिटिव, बाहर वाले माइनस से कंप्लीट नेगेटिव हो गया वो। ठीक है, इसका आंसर कितना है? वेरी गुड बच्चों, ये तो ओड फंक्शन है सर, मेरी बात सुनो, जब भी तुम्हें -a to a लिमिट दिखे ना तो देख लो ओड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, खेली खत्म है सर। एक्स को -x से रिप्लेस करेंगे तो ऊपर ओड पावर है, नीचे वाले फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंप्लीट नेगेटिव तो कॉमन आ गया एक बार तो, है ना। तो x को -x से रिप्लेस करने पर अगर पूरा फंक्शन में से नेगेटिव साइन कॉमन आ रहा है, इट मींस दैट इज ओड फंक्शन, और ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन -a to a लिमिट में बिकम्स 0। ओके नेक्स्ट, ये आया जी तुम्हारा वैल्यू ऑफ डेफिनेट मल्टीपल इंटीग्रल बच्चों, ना ठीक है। तो मल्टीपल इंटीग्रेशन को देखकर घबराना बिल्कुल नहीं होता बच्चों, एक बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस हमारे पास होती है। यहाँ पे देखो बच्चों क्या होता है, व्हेन एवर जो अंदर वाला इंटीग्रेशन है ना हमारा, उस वो अगर कंप्लीटली इन द फॉर्म ऑफ एक्स हो, तो आप पहले वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो, फिर एक्स के रेस्पेक्ट में करो। अगर आप कॉन्स्टेंट नजर आ रहे हैं तो एक तरीका बना लो बच्चों कि पहले वाई के रेस्पेक्ट में फिर एक्स के रेस्पेक्ट, ऐसे ही करना होता है हमारे, दाएं से बाएं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, है ना। तो एक्चुअली यहाँ तो तुम अलग अलग भी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, बट प्रोसीजर इज वॉट, पहले वाई के रेस्पेक्ट में फिर एक्स के रेस्पेक्ट में बाई डिफॉल्ट, है ना। तो पहले इसका y के रेस्पेक्ट में करो, अब वही बात आ गई सर, फंक्शन ज्यादा हो गए यहाँ तो जैसा हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन में बात कही थी कि अगर आपको x के रेस्पेक्ट में करना है तो y को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करना होता है, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब तुम y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करो, और x के रेस्पेक्ट में करोगे तो y को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करो, ट्राई करो सारे बच्चे। छवि क्लियर है बेटा? कर लो सारे बच्चे, ट्राई कर लो बच्चों। कल से 6 PM पर भी एक सेशन होगा अपना, फर्स्ट पेपर, डोंट मिस दैट, है ना। चेक, कोई भी इम्पोर्टेंट काम हो तुम्हें लाइव तो आना ही आना है, और हर सेशन दो बार देखना है, एक बार लाइव, लाइव के समय तुम्हें फेयर को भी यूज नहीं करनी, पूरा मेरे साथ साथ रहना है,
फिर दोबारा सेशन को देख के पूरे नोट्स बनाने को, क्योंकि हमेशा मेरी एक अच्छी आदत है कि मैं एक आध क्वेश्चन स्किप करता हूँ तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए ना, ताकि तुम एप्लीकेशन में पूछ लो कोई डाउट हो तो। 2x3 चलो देखो, पहले वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं इसका ना, फ्रॉम 0 to 1। इसका मैं वाई के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो बच्चों एक्स स्क्वायर वाई है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है ना, और ये हमारे पास आ गया बच्चों वाई क्यूब बाई थ्री, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से है ना। और ये वन और ये जीरो, बच्चों देखो क्या होता है ना, हमने जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है उसकी जगह पे लिमिट रखते हैं अपन, बात समझ रहे हो, तो हम y की जगह 1 रखेंगे यहाँ पे ना, 0 to 1, y की जगह 1 रखो बच्चों एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 रखो 1/3, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तुम्हारे को। अब जीरो देखो, यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो, दोनों तरफ y आ रहा है, तो माइनस करने की आवश्यकता हमारे को तनिक भी नहीं है। ये लो इसको हटा दो तुम, अब ये लो dx, अब इसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, तो x³/3 प्लस ये 1/3 और x एज ए कॉन्स्टेंट, ये आ गया अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। 1 रखो बच्चो, 1/3 प्लस 1/3, ये दोनों में x आ रहा है तो 0 हो जाएगा, तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट इज 2/3। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इसका आंसर। अब देखो कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले, ये एक्सपेक्ट मत करो कि अब ये भी इंग्लिश में लिखा हो, हिंदी में लिखा हो, हालांकि लिखा हुआ है यहाँ पे, बट ये इसी को देखो तुम, और कोई भी दिक्कत हो मुझे बोल देना, मैं भी सरकारी स्कूल का विद्यार्थी हूँ, कुछ चिंता मत करो। कल से बेटा, कल से 6 बजे, कल तो 6 बजे करते हैं एक बार है ना, फिर टाइमिंग देख लेंगे, 7 बजे रख लेंगे, कोई इशू नहीं है, कल तो 6 बजे रखते हैं एक बार है ना, 6 PM। सभी का 2/3 आ गया। नेक्स्ट, -π/2 से π/2 साइन क्यूब एक्स, बस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर, बात हो गई ना बच्चों, करो। अब तो ये वाला पैटर्न तो तुम्हें याद ही हो जाना चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट। श्रुति डी ट्रिपल्स भी चल रहा है, डोंट वरी है ना, तुम शुरू से सेशन को देखो एक बार है ना, हमने ग्रेजुएशन वाले क्वेश्चन भी लिए, मल्टीपल इंटीग्रेशन भी ग्रेजुएशन का पोर्शन है ना, वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चन भी लिए, ऐसे तुम्हें डेली मिलेंगे, डोंट वरी है ना। और डी ट्रिपल्स भी टीजीटी का बैच शुरू है 8 जनवरी से, पीजीटी का शुरू है 13 जनवरी से है ना। ओड फंक्शन है, साइन क्यूब, जब एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो -a2a से ओड फंक्शन हो गया, नेगेटिव हो जाएगा तो बिकम्स जीरो, तो आई होप सभी का जीरो आ रहा है इसमें, तो ये इवन ओड का धंधा है, तुम आराम से हो गया बना। हाँ बच्चों एक बात लिखो बच्चों, लिखो डन डना डन डन, लिखो सारे बच्चे, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, डन डना डन डन, कंजूसाई मत करना, ध्यान रखना, पिटाई लगा दूंगा ऑनलाइन तुम्हारी, ऐसे करोगे तो जल्दी लिखो लिखो, डन डन डना डन डन। ऐसे बीच में दोरे पड़ते हैं बच्चों मेरे, ऐसे बोलना बोलना पड़ेगा तुम्हें, ध्यान रखना। बच्चों 250-300 बच्चों की लिस्ट बना ली अपन ने ना, जो जो याद आए मेरे को है ना, सिलेक्टेड बच्चे अपने, डेली तो मैं अलग अलग बच्चों से मिलवाऊंगा, चिंता मत करो ना। देखो मैथ लर्नर डन डना डन कर रहा है, पूरा डन डना डन डन लिखने में मौत आ रही है इसको है ना, जोर आ रहा है आलसी। चलो 0 to π/2 साइन की पावर 6 थीटा डी थीटा, अब यहां से स्टार्ट होता है बच्चों तुम्हारा, ये भी ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है, ये आ गया तुम्हारा गामा फंक्शन है ना, तो निकालो बच्चों गामा फंक्शन, क्या करोगे तुम इसमें, करते चलो करते चलो, बहुत आसान बात।
प्रीति राही एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले बेटा, और DBBB TGT का बैच उसमें शो हो रहा है, वो परचेज कर लो ठीक है, और उसमें आ जाना। अभी देखो जब तक UPTGT का नोटिफिकेशन नहीं आएगा हम उसका स्पेसिफिक बैच शुरू नहीं करेंगे, बैच शुरू करेंगे है ना नोटिफिकेशन आने के बाद, तब तक DBBB TGT वाला बैच ले लो, UPTGT वालों का उसमें बिल्कुल ढंग से काम हो जाएगा। पर DBBB के बैच में सारे DBBT कवर्ड है बच्चों है ना उसके सिलेबस में, तो बिना झिझके आप ले लो है ना। हुकुम सिंह डोंट वरी बेटा, बैच परचेज कर लेना, एप्लीकेशन में आ जाना। चलो बच्चों ध्यान से देखो, ये वाली फॉर्मूला होता है हमारे पास है ना, 0 to π/2, एक गामा फंक्शन होता है हमारा, बीटा गामा फंक्शन मैथ्स में इंटीग्रेशन में। तो गामा फंक्शन का एक पर्टिकुलर केस होता है वाली फॉर्मूला, वॉल दीवार होता है ना दीवार, उसको वालीज फॉर्मूला बोलते हैं, वालीज है ना। 0 to π/2 sin की पावर nx dx, 0 to π/2 cos की पावर nx, दोनों का सेम रिजल्ट आता है बच्चों, साइन कोस दोनों का ना। इसका स्टार्ट देखो, देखो फॉर्मूला लिखूंगा तो मैं थोड़ा अजीब सा लगेगा, पर जब एग्जाम्पल करेंगे ना तो मजा आ जाएगा बच्चों, रहेगा अरे यार बहुत आसान। कहते हैं ना इस बड़े मैथमेटिशियन ने कहा बच्चों, एग्जाम्पल्स आर बेटर देन प्रिसेप्ट। किसी भी चीज की थ्योरी याद करने के बजाय उसका एग्जाम्पल याद रखो, वो लॉन्ग टर्म के लिए दिमाग में रहता है। तो मेरे भावी अध्यापक आओ देखो ध्यान से, एक कम करना है इसमें से और ये एज इट इज लिखना। अब हमेशा दो दो काम करना है नेक्स्ट स्टेप में ना, 3 5 गॉट इट, नीचे आ जाओ, n-2 n-4, बस चलते हो अपने आप अपने आप अपने आप, 2/3 पे या 1/2 पे अपने आप रुक जाएगा ये, अपनी कोई ठेड़क नहीं है मतलब इसमें, अपने आप ही रुक जाना है ना ठीक है। और ध्यान रखो बच्चों, एन इज इवन, अगर एन इवन है तो आपको π/2 से मल्टीप्लाई कर देना, इतनी सी बात। अगर एन इवन है तो π/2 से मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज नहीं करना है तुम्हारा ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं ये वाला, देखो कितना आसान है, 6 है ना बच्चों, एक कम करो 5, फिर साथ साथ चलना, एक कम करो 5 नीचे 6, अब ऊपर 2 कम करो 3, 2 कम करो 1, नीचे 2 कम करो 4, नीचे 2 कम करो 2, रुक गए ना अपने आप ही। इवन है क्या, इवन तो सर π/2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या दिक्कत है इसमें, ये 2 बार गया, नीचे 2 की पावर 5 आ रहा है, ऊपर 5 आ रहा है, तो 5π/32, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक एग्जांपल और लो, ऐसा घबराना नहीं तुम्हारे को, मान लो 0 to π/2 आ जाए और cos की पावर 7x dx आ जाए, 7 में से एक कम करो 6, नीचे 7, 2 कम करो 4, 2 कम करो 2, इधर 2 कम करो 5, इधर 2 कम करो 3। अब इवन नहीं है तो मुझे π/2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये एज इट इज मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा क्योंकि ऑप्शन में आ रहा होगा। एक कम ऊपर लेना है जी, नीचे एज इट इज लेना है, दो दो कम करते चलो, इवन हो तो π/2 से मल्टीप्लाई कर दो, वरना एज जहां रुक रहा है वहां रोक दो, कहाँ दिक्कत है, घर की बात है। एप्लीकेशन में सारे वीडियोस रहेंगे, 1 ईयर वैलिडिटी आपकी रहेगी है ना, 1 साल की वैलिडिटी आपके पास रहेगी बच्चों। बात समझ में सभी के, जिसको बाकी सारे कोर्सेज कवर करने किसी एक एग्जाम में, तो DBBB PGT का बैच ले लेना ना, 1 ईयर वैलिडिटी उसकी रहेगी, 1 ईयर में यूपी DBBB सारे एग्जाम हो जाएंगे बच्चों। डन, ये वाला वेरी 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 क्लियर बच्चों, नो टेंशन। अब ये वाला तो तुम कर ही दोगे बच्चों ना, एक क्वेश्चन मैंने करवाया तुम्हारे को अभी भी, पहले वाई के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करो, देखो हर बार के दो दो एग्जाम्पल है ताकि एटलीस्ट को थोड़ा समझ तो तुम्हारे को आया ना। y के रेस्पेक्ट में करना तो करो, फिर x के रेस्पेक्ट में करना, जब आप y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो x को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा। ओके ट्राई करो, कुछ बच्चों के साथ मैं बता दूं क्या होता है, जैसे मान लो आज अपन ने 18-20 क्वेश्चन किए, तो उनमें से दो कुछ दो तीन चार पांच क्वेश्चन उनको समझ नहीं आए होंगे ना, क्योंकि वो टॉपिक उनका पढ़ा हुआ नहीं है, तो
घबराना नहीं बच्चों, मतलब बस पीछे पड़ जाना तुम मेरे, है ना। और एप्लीकेशन में जैसे जैसे टॉपिक होते जाएंगे दुनिया खत्म होती जाएगी बच्चों, चिंता मत करना, घबराना नहीं है, स्टे मोटिवेटेड। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है जिस उम्र में तुम हो, जिस पड़ाव में तुम हो, है ना। बिल्कुल सही जगह पर हो, चिंता मत करना, पैसों को मत देखना। ऑफलाइन ये फीस कम से कम 20-30 हज़ार की होती है बच्चों, बहुत कम फीस है बनाए। पूजा तेरे को ही नहीं बेटा, सबको रिपीट देखना है, फेयर कॉपी में प्रॉपर एक क्वेश्चन लिखना है, प्रॉपर मेहनत करनी है। इसलिए मैं तुम्हें पीडीएफ नहीं दूंगा, वाईटी की पीडीएफ स्ट्रिक्टली तुम्हें नहीं मिलेगी, इसमें तुम्हारा ही भला है ना। इस बारे तुम्हें सेशन दोबारा देखना पड़ेगा, पॉज, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत बड़ी तो होती नहीं है, कोई अपने इंग्लिश का पैराग्राफ तो है नहीं कि तुम्हें बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा ना। तो जैसे तुम दोबारा सेशन देखोगे बच्चों, रात को सोने से पहले ये बात और सुन लेना, अगर आप सो गए दूसरे दिन देखोगे तो 1.5 घंटे के सेशन को देखने में आपको 2-2.5 घंटे लगेंगे, पर सेम डे सोने से पहले अगर आपने देख लिया तो आई एम वेरी श्योर, अगर मैंने 1.5 घंटा पढ़ाया तुम्हें यूट्यूब पे, तुम 30 से 40 मिनट में उस सेशन को पूरा कर लोगे, एक एक क्वेश्चन खुद के हाथों से लिख लोगे, कोई डाउट होगा उसको मार्क कर लोगे। जैसे बैच स्टार्ट होगा अगले दिन अपन ग्रुप बना देंगे, आपस में डाउट सॉल्विंग करना, नहीं आया तो मेरे से एप्लीकेशन में पूछना। माइनस वन आ रहा है, आओ देखते हैं, कोई बात नहीं। वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 1, तो पहले इसका अपन इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों वाई के रेस्पेक्ट में। तो 4y माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है, क्योंकि एक्स को तो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 0 है, और ये dx हमारे पास आ गया। मैंने क्या बोला था, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे उसकी वैल्यू हम उस पे लिमिट लगाएंगे, यानी कि वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2 और 0 का रखेंगे, वाई के पास रखेंगे तनाव, तो 2 रखो, 8, 2 रखो माइनस का 2x, 2 रखो 2 का स्क्वायर 4/2, 2 माइनस करोगे 0 के साथ तो वाई सब में आ रहा है बच्चों, तो सारे बिकम्स 0, ठीक है। तो 8 - 2 को मैं 6 लिख दूंगा, थोड़ा और अच्छा लगेगा तुम बोलो तो। 6 - 2x dx, एक बार x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, है ना। तो 6x - का 2x² / 2, ये दोनों कैंसिल, तो 6x - का x² अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है, तो 6 में से एक गया तो 5, और ये पूरा 0 हो ही जाएगा, तो 5 सी ऑप्शन शुड बी योर करेक्ट आंसर, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। तनुश्री देखो रेस्ट क्वेश्चन करने के लिए बताऊं, जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन सपोज करो एक भी स्किप नहीं किया कि मैंने, ये स्किप किया मैंने ना, तो अपन ऐसे जाता है ना अपन, उस समय पॉज कर लेना, ठीक है, ओके चलो, मिल जाएगी तुम्हें पीडीएफ भी मिल जाएगी ना, मजाक कर रहा था ना, चिंता मत करो, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा, तुम तो क्या वो बोलते हैं ना इंडियंस के लिए, जैसे गाँव में होता है वो कि कोई सी मशीन बना दो उससे पहले उसका जुगाड़ निकाल ही लेते हैं, तुमने पहले निकाल लिया जुगाड़। है इफ सर्कल्स कट्स ऑर्थोगोनली, एक दूसरे यदि दो वृत्त लंब कोणीय कटते हैं तो के का मान ज्ञात करो। तो सर्किल की जनरल इक्वेशन अभी भी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले लिखवाई थी बच्चों ना, x² + y² + 2x + 2fy + c = 0, ये थी ना, ये सब कॉनिक सेक्शन का पार्ट है बच्चों। अच्छा, व्हेन एवर टू, जैसे मान लो ये आ गया हमारे पास 2g1 2f1 c1, ठीक है, दूसरे में आ जाओ x² + y² + 2g2 x 2f2y + c2 = 0, ठीक है बालको। तो व्हेन एवर टू सर्कल्स कट्स ऑर्थोगोनली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उसका मतलब है बच्चों कि एक कंडीशन होती है इसके लिए, है ना, कॉनिक सेक्शन हो तो सारी बातें याद करने वाली होती है जनरली, 2g1 g2 2f1 f2 = c1 + c2। तो आपको क्या करना है, मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी, लेकिन पहले मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ, इससे कंपेयर करो g1 g2 f1 f2 c1 c2 निकाल के रख लो और यहाँ रख दो, एक वेरिएबल अननोन मिलेगा के आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, आई एम वेरी वेरी श्योर, बताओ।
हाँ अगर कांस्टेंट हो पीडी मैथ्स, अगर कांस्टेंट है आपके पास वहाँ रिप्रेजेंट नहीं है एक्स की है वाई की है तो आप कोई से भी ले लो, बट जनरली आदत रखो पहले वाई फिर एक्स, है ना। सारे सेशंस के लिए हेल्पफुल है बेटा, सारे के लिए, एस टेट हो चाहे डी ट्रिपल एस बी हो चाहे यूपी हो चाहे आरपीएससी हो, सबके लिए हेल्पफुल है सेशन, यूट्यूब वाले सेशन। हमारे यूट्यूब के दो पीडी दो सेशन होंगे, 6 PM और 9 PM। 6 PM में देख लेंगे, फिर अगर 7 PM करना है तो कर लेंगे एक बार, तो 6 PM होगा कल से। दोनों सेशन मिस मत करना। और बच्चों सभी से बोल रहा हूँ मैं, बैचेस ले लेना भाई एप्लीकेशन में, ना ये मत देखना वहां करा दिए वहां करा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं कोई फाउंडेशन नहीं है मेरे पे पढ़ाने के लिए ना, तो मैं कितने भी घंटे पढ़ा दूंगा तुम्हें, जितना मत करना। सी पहलूज निकाल के मैं तुम्हें देता हूँ बच्चों, देखो जीवन कितना आ रहा है कंपेयर करें तो, इसका आधा कर दो अपन, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ यहाँ पे, एस जी टू माइनस हाफ पहले वाले में, एफ वन माइनस 1/2, एफ टू कितना आ रहा है, एफ टू ये ना टू, ठीक है। अच्छा सी वन कितना आ रहा है, माइनस टू, और अपने सी टू कितना आ रहा है, के यहाँ रखो सुख दुख पाओ आपका आंसर आ जाएगा। देखो बेटा अभी तो अपन आराम से 1 घंटा 1.5 घंटा एप्लीकेशन में, 2 घंटे यूट्यूब पे पढ़ेंगे, बाकी जैसे नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम डेट आएगी अपन उसके अकॉर्डिंग टाइम बढ़ा देंगे एप्लीकेशन में। एक सुबह शाम दो सेशन रख लेंगे, दो दो घंटे पढ़ लेंगे, 3 3 घंटे पढ़ लेंगे, वो डिपेंड्स ऑन नोटिफिकेशन। कितना है बच्चों के, अब तो कर लो माइनस वन आ जाएगा के की वैल्यू आराम से, है ना। रखो ना, अब तो निकाल के तुम्हें दे तो दिया, बस जीवन एक्स के कोफिशियंट का हाफ, जी टू एक्स के कोफिशियंट का हाफ हो गया, एफ वन एक्स के कोफिशियंट का हाफ है, वाई के कोफिशियंट का, एफ टू वाई के कोफिशियंट का हाफ है, ठीक है। सी वन सी टू कॉन्स्टेंट है हमारे पास, यहाँ रख दो कैलकुलेशन कर लो, बच्चे थोड़े हो तुम, हटा ब्रो इधर बड़ा एप्लीकेशन में, हेमंत है ना। दो सर्कल जहाँ दोनों की टेंजेंट जहां पर मीट करती है उनके बीच का एंगल होता है, वो एक्चुअली कोसाइन फॉर्मूले से अपन निकालते हैं, है ना, एंगल बिटवीन टू सर्किल, R1² प्लस R2² माइनस d, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स अपॉन ट्वाइस ऑफ R1 R2। क्लियर है बच्चों सभी का। अरे अभी बड़े सब चीजें एप्लीकेशन में आएगी ढंग से, ऐसे कम मजा आएगा ऐसे तुम्हारे, है ना। ये थोड़ा सीधा कर लेना डायग्राम, ये दोनों के सेंटर्स हो गए, ये डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, ये R1 हो गई, ये R2 हो गया, ये एंगल निकाल दो कोसाइन फॉर्मूले से। कोसाइन फॉर्मूला जानते हो ना क्या होता है, जैसे मान लो थीटा है ना, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू R1² प्लस R2², उसके जो एंगल निकालना तो उसके सामने वाले को माइनस करते हैं, ट्वाइस ऑफ R1। ये भी एक तरीका होता है एंगल बिटवीन टू सर्किल निकालने का, लेकिन ये कंडीशन ठीक है, इसको डायरेक्ट ध्यान रखना, इससे जल्दी आंसर आता है। और एक दो बार तो टीजीटी पीजीटी में एप्लीकेशन डायरेक्ट भी पूछी गई है, चार ऑप्शन दे देगा कि विच वन इज फॉल्स, विच वन इज करेक्ट, इस तरह से, है ना। अब आ जाओ बच्चों, अब तुम एप्लीकेबल हो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो मैंने छोड़ा था तुम्हारे लिए, है ना। रेडियस ऑफ सर्किल, इसकी रेडियस निकाल दो स्टार्ट, यहाँ पे मॉड्यूलस भी लगा हुआ है एक्चुअली, टाइपिंग मिस्टेक कर दी, निकालो। अब तुम्हें याद हो तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने किया हुआ है थोड़ी देर पहले, इक्वेशन ऑफ सर्किल हमने बनाई थी, और इक्वेशन ऑफ सर्किल तुम सभी को याद हो रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो बच्चों। बताओ बताओ, हाँ यही थी क्या बच्चों इक्वेशन, देखो ना एक बार, अभी थोड़ी देर पहले किया था अपन ने, यही थी देखो ना इसकी इक्वेशन, ये रही
ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 वहां लिख लेते हैं बना ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनो बच्चों, सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी एक्स ट्वाइस ऑफ एफ वाई प्लस का सी बराबर 0। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों माइनस का जी माइनस का एफ, कंपेयर करके निकाल ही लोगे, और रेडियस हमारे पास होती है रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। बताओ क्या आ रहा है उमेश? एक्चुअली हो तो जाएगा पर एक समस्या है बेटा उसमें ना, वो लेट तक चलेगा बैच, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया, लेट इन द सेंस वो आराम आराम चलेगा, वो पूरा 6-7-8 महीने में कोर्स होगा, फिर रिवीजन होगा उसका, आराम है ना, साल भर चलेगा वो। वो उन सब बच्चों के लिए है जो कोई आरपीएससी दे रहा होगा, कोई हिमाचल का दे रहा होगा, झारखंड के लिए, तो आराम आराम से वो, मान लो किसी, मान लो आरपीएससी ग्रेड सेकंड आ गया 3 महीने बाद, तो तुम मुझे बाउंडेड नहीं कर सकते कि सर उसका कोर्स पहले पूरा कराओ, वो आराम से चलेगा अपनी मस्ती में। लेकिन उस बैच को कवर करने के बाद तुम सारे डिजिटिविजिटी निकालोगे, ये श्योर है, इसलिए उसकी फीस भी अपन ने कम रखी है। बाकी स्पेसिफिक एग्जाम के लिए स्पेसिफिक बैच है, जैसे तुम कोई सा, और मैं बता दूं डी ट्रिपल एस भी पीजीटी वाले में, तो तुम कोई सा भी एग्जाम फिल कर देना, सब निकल जाएंगे। डन बच्चों, यहां तक चार आ रही है रेडियस। ठीक है, दीपाली मैम वाला हो गया, दीप्ति मैम वाला आएगा बेटा, दीप्ति वाला भी गया, सबका आएगा ना। चलो बच्चों ठीक है, कल अपन और ज्यादा क्वेश्चन लेंगे, और कल से टॉपिक लेंगे है ना, कल डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा बच्चों, थोड़ा पढ़ के आना इफ यू कैन रीड है ना। कल का जो सेशन होगा शाम को, डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, उसमें सारे होंगे बीटा गामा मल्टीपल इंटीग्रेशन नॉर्मल इंटीग्रेशन, पूरा फोकस हम इंटीग्रेशन पर रखें कल वाले चैप्टर में, तो हल्का सा पढ़ के आना। और 4 जनवरी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, किसी को कोई जानकारी लेनी तो ले लो भाई, फाउंडेशन बैच जो तुम पूछ रहे थे ना, बताओ, सबको एक्सेस मिल जाएगा, डोंट वरी। अब सुनो बच्चों मेरी बात है ना, अपने एक तो फाउंडेशन बैच है ये कंप्लीट, जिसको बहुत ही बढ़िया मैथ्स करनी है, आराम आराम से पढ़ना है, ये वाला बैच ले लो। एक ले लो जिसको यूपी वगैरह सारे एग्जाम देने हैं, वो डी ट्रिपल एस पी जी टी वाला एग्जाम, इसमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड यूपी टीजीटी एलटी ग्रेड सारे इसके अंदर कवर है। फाउंडेशन जो बैच हमारा, इसमें बिहार भी कवर है ना, इसमें 11th 12th ग्रेजुएशन सम टॉपिक्स ऑफ पीजी होंगे, फाउंडेशन में सब कुछ होगा, लेकिन वो साल भर चलेगा बच्चों, मैं पहले क्लियर कर दूं तुम्हारा, आराम से जो कमिटमेंट है उस पर रहेंगे अपन। हाँ तो मैंने क्या लिया, माइनस जी माइनस एफ ही तो लिया, सेंटर माइनस जी माइनस एफ बेटा ना, बड़ा डिस्काउंट मैंने दिया था तुम्हारे को अभी क्रिसमस पे है ना। तो बच्चों कोई दिक्कत हो तो मेरे फोन नंबर सबके पास है, डू कनेक्ट विथ मी, डू एट फर्स्ट डोंट कॉल, पहले व्हाट्सएप कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो सारे बच्चे, उसमें बैचेस अवेलेबल है, और चैनल तुमने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा बच्चों है ना, और खुश रहो बच्चों, मजे करो है ना, पढ़ाई करो बढ़िया ढंग से है ना, कोई भी दिक्कत होती है मुझे बोलो। राधे राधे, जय श्री श्याम, प्लीज शेयर इट एज मच एज यू कैन, शेयर करना ना भूलें, सभी अपने अपने स्टेटस पे जरूर लगाएं बच्चों। परी डी ट्रिपल एस बी पीजीटी वाला बैच ले लो, उसमें सारा हो जाएगा यूपी एंड ऑल। यस डी ट्रिपल एस बी टीजीटी वालों को तो पीजीटी वाला ही पढ़ना पड़ेगा है ना, सबके आते हैं बच्चों ना, सबके मतलब इनमें ये होगा, जैसे देखो बैच अलग अलग है ना बच्चों, तो जैसे मान लो कोई स्पेसिफिक बैच ले रहा है तो उसको स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे जो उस एग्जाम में आते हैं केवल है ना, वो बाकियों के लिए कोई जरूरी नहीं है, वो ऑप्शनल होगा भाई, पढ़ो तो पढ़ो, ना पढ़ो तो ना पढ़ो। तो डी ट्रिपल एस बी पीजीटी में सारे सबसेट है, डी ट्रिपल एस बी पीजीटी कॉम्प्लेक्स नंबर है, पूरे नंबर सिस्टम के दादाजी है, ठीक है।
यस राशि। चलो बच्चों और कोई कंफ्यूजन हो तो आराम से आप मुझे हाँ बिल्कुल, ये एलटी वाला भी हो जाएगा, एलटी ग्रेड जितने भी तुम्हारे ग्रेड हैं सब डी ट्रिपल एस भी पीजीटी वाले बैच में हो जाएंगे, यू कैन परचेज बच्चों। ठीक है मेरे नंबर है ही, बात कर लेना कोई दिक्कत हो तो। चलो बच्चों राधे राधे, जय श्री श्याम, सब बच्चे राधे राधे बोल के जाया करो, शेयर करके जाया करो, लाइक करके जाया करो। टाटा टेक केयर, कल 6 PM है ना, 6 बजे अपना फर्स्ट पेपर का भी होगा, मजा आएगा बच्चों, बेहतरीन है ना, सारे ज्वाइन करना। अच्छा तुम्हारे लिए खुशखबरी, जनवरी लास्ट तक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो जाएगी अपनी, और बुक भी मिल जाएगी तुम्हें, एक बुक तो पहले मिल जाएगी तुम्हारे को फर्स्ट पेपर की, ज्योमेट्री मेंसुरेशन की, इनकी सब की, और जनवरी लास्ट तक तुम्हें पीजीटी टीजीटी की बुक भी मिल जाएगी। ठीक है, मस्त रहो, खुश रहो।